सेठी साहब सेठी साहब सॉरी मैं जरा लेट हो गया, बैठे बात करते हैं। क्या बैठे, अब बैठने की कोई जरूरत नहीं। क्या हुआ? जो भी तमाशा आपके घर में चल रहा था ना, वो पूरी दुनिया ने देखा है टीवी पे। टीवी पे? हाँ, जब आप अपनी बहू के सामने ना हाथ जोड़े खड़े थे, तब 4-5 मीडिया वालों की गाड़ियां आपके घर के बाहर खड़ी थी लाइव टेलीकास्ट करने के लिए। आपकी बेबे और आपकी पत्नी जो बहुओं को मारा है ना, वो सारी पब्लिक ने देखा है। अरे सिटी साहब, आप राजनीति के इतने पुराने खिलाड़ी हैं, अभी इस अपोजिशन के झांसे में आ गए। असल बात बताऊं आपको, मेरे घर में जितनी औरतें हैं ना, इनको टीवी देखने का बड़ा शौक है। शाम को कोई सीरियल में आया होगा ऐसा सीन, फिर प्रोग्राम के बाद जो एपिसोड में होता है वो आपस में खेलते हैं, सास बहू, कोई अच्छा एपिसोड आया होगा। अब इलेक्शन का टाइम है, ऑपोजिशन वालों को पता चल गया होगा जी इसके घर में ऐसा नाटक होता है। उन्होंने कैमरे वाले भेज दिए, पांच फोटो ले ली, फंस गए। मैं सल्टा दूंगा जी, देखना आप। अरे बग्गा, तू किसे झांसा दे रहा है? सारी जिंदगी हो गई पॉलिटिक्स करते हुए। अरे ये सास बहू की कहानियां ना राजनीति में बहुत सुना चुके हैं। अच्छा ये बात बता, ये तेरी बहू अपोजिशन पार्टी की लीडर है या उनकी प्रेसिडेंट है? अरे उसी ने फोन करके बुलाया था मीडिया वालों को। तो मतलब ऐसे हुआ है वैसे नहीं हुआ, तो इसका तोड़ निकाल लेते हैं सेठी साहब। हर मसले का तोड़ निकालना ही तो पॉलिटिक्स आपसे तो सीखा है। अरे क्या तोड़ निकालेंगे आप? आपसे अपना घर तो संभलता नहीं, ये कुर्सी और पॉलिटिक्स क्या संभालेंगे आप? सेठी साहब, आपने अभी राई का ना पहाड़ बना रहे हैं। आपको एक एक चीज गिनाऊं जो आज तक मैंने अपनी पार्टी के लिए किया है? अरे ठीक है, बहुत कुछ किया आपने पार्टी के लिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन जो भी कुछ आपने किया ना, उस मेहनत पर आपकी बहू ने पानी फेर दिया। इसकी जवाबदेही किसकी है, कौन जवाब देगा? सेठी साहब बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, देखो आप पे वक्त की ही तो कमी है तेरे पास बग्गा। अब बात मेरे हाथ से निकल चुकी, अब जो भी सफाई देना है पार्टी हाई कमांड को देना। बात दिल्ली तक पहुंच चुकी है, कभी भी कॉल आ सकता है हाई कमांड से। देख लो जो कर सकते हो वो कर, चलो। अरे सुनिए तो, दिल्ली से फोन आएगा अभी, आने दो, देखता हूं मैं। राजी राजी, मैं सच कह रही हूं, मैंने नहीं बुलाया उन लोगों को। बस अजूरी, अब तो झूठ मत बोल। झूठ नहीं बोल रही हूं मैं राजवीर। सुना ना उस औरत ने क्या कहा कि तूने फोन करके उन्हें बुलाया है, तो जिस बात का जरा सा भी अंदाजा है कि इस बात का नतीजा क्या होगा, लात मार के बाहर निकाल देंगे मुझे पार्टी से। पापा जी का सपना, उसका क्या? चल मुझे छोड़, फैक्ट्री के कार्यकर्ता पापा जी का इस्तीफा मांगेंगे। क्यों किया ऐसा, हाँ क्यों किया? आज तक इस घर में चाहे कुछ भी हो, मैंने कभी तेरे साथ कुछ गलत होने दिया नहीं ना, कभी तेरे पे आंच भी आने दी नहीं ना, तो फिर ऐसा क्या हो गया तुझे उन ऑटो की जरूरत पड़ी? तुझे क्या लगता है कि मैं अकेला ये सब संभाल नहीं सकता, कमजोर हूं मैं? हाँ क्यों किया सब, बोलना क्यों किया सब, बोलना यार। अब राजवीर, अजूनी ने कुछ नहीं किया राजवीर। भाभी आप पीछे बताइए। मैं सच कह रही हूँ राजवीर, अजूनी ने कुछ नहीं किया। उस वक्त तो वो मेरे कमरे में मुझे छुड़वाने आई थी, उसके बाद हम दोनों एक साथ बेबी से बात करने गए थे। इसने किसी को नहीं बुलाया, मैं सच कह रही हूँ। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। तो फिर वो फोन किसने किया है?
बहू मेरे को माफ कर देना है। हेलो शिखा पुत्र। हाँ पापा बोलो। ये सब मैं क्या देख रहा हूँ टीवी पे? ये क्या ड्रामा चल रहा है भाई? ओ ये हुआ कैसे? क्या पापा आप शिखा के होते हुए कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो? क्या चल रहा है ये सब? पापा आप अपनी बेटी को अभी तक पहचाने नहीं है क्या? वाह भाई वाह शाबाश। पर इस सब में तेनू तो कोई तकलीफ नहीं हुई ना? तकलीफ और नैनू? पापा इन सब से मेरा क्या लेना देना? क्या मतलब? मतलब ये सब मैंने थोड़ी ना किया है। ये सब तो किया है उस जूनी ने। खबरें देख रहे हो ना? फिर इन सब से मेरा सिर्फ यही कनेक्शन है कि बस उसे फोन कॉल के लेना, मैं जूनी बन गई थी। दैट्स इट। ओहो वाह भाई वाह पुत्र वाह कमाल करता है। तूने तो एक तीर से दो निशाने लगा दिए। पहला तीर तो लगा है ये कि जो उस घर में ना अब औरतों पे टॉर्चर कम हो जाएगा। मतलब ये कि हम तेरी तरफ से हो जाएंगे निश्चिंत, बिल्कुल टेंशन फ्री। और दूसरा तीर लगाया जाके राजवीर के इलेक्शन के सपनों पर, और तजियां उड़ गई उसकी तजियां। अब जाके अरविंदर की आत्मा को मिलेगी शांति। और इन सब में नाम आ रहा है उस सजूनी का। मतलब मैं तो फिर से बच गई। इस घर में मेरा सबसे बड़ा रोड़ा है वो अजूनी, लेकिन मैंने उसकी यहाँ पे इतनी बेइज्जतियाँ करवा दी है ना कि अंकल जी खुद इसे घर से कैसे उठा के बाहर नहीं फेंकते। मैं भी देखती हूँ। उससे पहले मैं तुझे इस घर से बाहर फेंक दूंगा। शेट्टी साहब सही कह रहे थे, दिल्ली हाई कमांड। हेलो। हाँ जी नमस्ते जी। हाँ हाँ रविंदर सिंह बग्गा बोल रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। ये छोटी सी गड़बड़ हुई थी लेकिन आप यकीन मानो मैं ना सब संभाल लूंगा। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है कि किसी नतीजे पर ना जल्दबाजी में ना पहुंचे थोड़ा। नहीं नहीं सोचे। हेलो साहब जी क्या हुआ? हाई कमांड ने राजवीर की इलेक्शन की टिकट को कैंसिल कर दिया है मांगीराम। एक सेकंड में सब खत्म। मेरे सारे सपनों पर पानी भर गया, बर्बाद हो गया। ये किसने किया? नहीं छोड़ूंगा। छोड़ राजवीर। इतनी बड़ी साजिश करके हमारे घर में बैठी है। छोड़ मेरा हाथ। आज छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। राजवीर क्या कर रहा है? देखिए ना मम्मी जी इसे बोलिए मुझे छोड़े, मैंने कुछ नहीं किया है। छोड़ इसे छोड़। जी आज नहीं छोड़ूंगा। राजवीर छोड़ इसका हाथ। इसके पेट में तेरे भाई का बच्चा पल रहा है। आप सबको बहुत मासूम लगती है ना ये? हमदर्दी बड़ी आप सबको इससे। मैं बताता हूं उसने क्या किया। उस दिन जो नारी मुक्ति वाली औरतें आई थी ना, अजूनी ने उन्हें नहीं बुलाया था, इसने बुलाया था।